हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट्स पर चैनल। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। देखिए मेरे ये जो वन पेटल का जो स्थल कमल है, ये देखिए कितना, इतने छोटे से प्लांट में, देखिए इतने छोटे से प्लांट में कितनी फ्लावर्स आए हैं, इतने बड़े बड़े। ये देखिए एक और, मेरे हाथ मैं इसमें दे रही हूँ, हाथ दिख नहीं रहा, ढक गया है पूरा। देखिए मेरे परछाई हाथ की दिख रही है, पूरा ढक चुका है। इतना बड़े फ्लावरिंग आए हैं और देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं, कितनी सारी कलियां आई हैं। और ये एक प्लांट में देखिए कितना बड़े बड़े फ्लावर्स आए हैं, कलर भी कितना ब्राइट है। फ्लावर्स के ब्राइट कलर के लिए मैं मैग्नीशियम सल्फेट देती हूँ महीने में एक बार पॉट में, जिसका और एक नाम एप्सम सॉल्ट भी है। और मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी देती हूँ मिराकुलान, जो आपको पता ही है। अभी मैं हाल ही में एनपीके स्प्रे करना स्टार्ट किया है, एनपीके 19:19:19 रेशियो वो। और फंजीसाइड मैं 2 लीटर के बॉटल में मिक्स करती हूँ, 1 चम्मच एनपीके और 1 चम्मच फंजीसाइड मिक्स करके उसको लगभग हर पौधे में देती हूँ। इसमें भी दिया था, इसकी कलियाँ जो है येलो हो रही थी। अब देखिए ये कितना अच्छा हो गया है ये प्लांट। और हाल ही में मैं एनपीके देना स्टार्ट किया है और मिराकुलान भी देती हूँ बीच बीच में, एप्सम सॉल्ट भी महीने में एक बार देती हूँ। अगर आप एप्सम सॉल्ट नहीं दे सकते तो आप एलम भी दे सकते हैं, एलम का एक टुकड़ा पॉट में महीने में एक बार। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत ही ब्राइट कलर है। इस थल कमल का और एक वैरायटी है जो कलर चेंजिंग वैरायटी है, और वो वन पेटल वाला नहीं है, वो भी मेरे पास है। वो नीचे गार्डन में रखा हुआ है। ये तो हर, ये मुझे कभी निराश नहीं करता ये प्लांट, ये देखिए। और इसमें कितनी सारी कलियां भी आई है, कितनी सारी, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है हर रोज़। बिल्कुल भी ये प्लांट मुझे निराश नहीं करता, हर रोज़ कम से कम एक फूल तो मिल ही जाता है, ज़्यादा ही खिलता है, पर आज 2 मिला है। ये चाइना हिबिस्कस आप लगा सकते हैं, ये मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। इसी पॉट में देखिए मैंने ग्लोब एमरंथ के बीच भी, मेरे पास और ज़्यादा पॉट नहीं थे, कहाँ रखूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही बिखेर दिया था। ग्रो होने वाले और हार्डी प्लांट है, इसकी तो मैं ज़्यादा केयर भी नहीं करती। देखिए ऐसे ही ग्रो होके यहाँ पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट किया है। यहाँ पे बनाना पील मैंने, देख सकते हैं आप, मैंने दिया हुआ है। ये मैं एनपीके भी स्प्रे किया है। ये देखिए जीनियस, देखिए पूरा कितने गुच्छे में फ्लावर्स आए हैं, देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग कलर, कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कलियां, देखिए बहुत सारी आई हैं। इसको खाना अब ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चाय की पत्ती, वो किचन वेस्ट और ये वर्मी कंपोस्ट भी देती हूँ, आज भी दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। ये वर्मी कंपोस्ट मैं पॉट में दे रही हूँ। देखिए मैंने एक ही ये बास्केट वाले पॉट में, यहाँ पे मेरीगोल्ड का भी प्लांट लगा हुआ है, इसके साथ सीनिया है, ये वर्मी कंपोस्ट दिया। बनाना पील भी मैंने पिछले हफ्ते ही दिया था, फिर भी देखिए मैंने ये सुखाने के लिए छत पे रखा है, कितना अच्छा फ्लावरिंग दे रहा है। और ये भी बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। देखिए मेरे मैरीगोल्ड मैंने जो लगाए थे कटिंग से, कुछ कुछ बीज से, वो उसमें भी देखिए कलियां आना शुरू हो गई है।
देख सकते हैं लगभग मेरे हर प्लांट में कलियां आ रही हैं। हर प्लांट में देखिए कलियां आ चुकी हैं। क्रिसेंथेमम का प्लांट है, देखिए इसका ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ सा लग रहा है, पिंचिंग करने के बाद भी ये अभी भी देखिए येलो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें खाना खाने की कमी हो रही है, पत्ते येलो हो रही है। वर्मी कंपोस्ट दिया है, दे रही हूँ। ये देखिए मेरा ये अपराजिता का प्लांट है, ये अपराजिता के बेल है। देखिए इसमें भी कितनी सारी फ्लावरिंग आज देखिए, ये डबल पेटल वाला वैरायटी है। देखिए ये बेल में कितने ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर भी है, बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, तो लकी होता है ये, किसी भी घर में आप एक इजीली ग्रो हो सकता है, ये आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी देखिए जी, क्योंकि ये बहुत सारी कलियां भी आ रही हैं तो फ्लावर्स भी हुए, तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट दे दिया है ताकि खाने की कमी ना हो। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्लांट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।